हेलो गाइस, ये है सस्ता सा ब्लॉग एक नीट एस्पिरेंट का। और आप देखोगे कि पीजी का क्या सीन होता है एक्चुअली में। तो चलिए शुरू करते हैं। चेक, तो ये है मोटिवेशन पर्पज़ के लिए और ये भी मोटिवेशन के लिए है। और इसके बाद आप इधर चलो तो ये है हमारा हमारा टाइमिंग है, कब कब कैसे पढ़ना है इसका। ऐसे इससे कोई मकसद इसका कुछ है नहीं, क्योंकि पढ़ते हम है नहीं, ये बस लिख के रखा हुआ है। और ये है हमारा टेबल और यहाँ पर होते बहुत सारे बुक्स, इससे पढ़ना कम होता है। और यहाँ बैठ के मैं फ़ोन चलाता हूँ क्योंकि चार्जर का सॉकेट यही नीचे लगा हुआ है। उसके बाद ये है हमारा अलमीरा। अलमीरा देख रहे हो आप कितना भरा है, पर इसको खोल के देखेंगे तो इसमें कुछ कपड़े गंदे से पड़े होंगे और क्या ही है यार, कपड़े ही है बस। उसके बाद अब आगे चलते हुए देखोगे तो ये मैं और ये मेरा किचन। और किचन में भाई साहब जो गंदगी मची पड़ी है भाई, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कौन जानवर रहता है। बट कोई बात नहीं, चलता है क्योंकि यह है बॉयज़ किचन। यहाँ आपको किचन का सामान नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा तेल। तेल कौन सा है, कौन सा है, कारमीनो अरमीना, ये मेरा नेम है पहले बता दूँ। फिर यहाँ मिले आपको नमक और ये क्या है पता नहीं। फिर मिले गुलकोंडी, चीनी एंड ये एक दो डब्बे और बस यही सब कुछ है। और बस ये रहा किचन। ये है वो बेड जहाँ मुझे सोने के लिए दिया जाता है, लेकिन इस बेड की भाई चौड़ाई इतनी छोटी है कि बस मैं रात को कई बार गिरते गिरते बचा। और ये है ऑल इंडिया रैंक का पोस्टर मोटिवेशन पर्पज़ के लिए। ये एम्स का वो पिक्चर जो सभी नीट एस्पिरेंट के कमरे में होता है, भले ही इसका कुछ मकसद। एक बार एम्स का एक ही यही पिक्चर क्यों है भाई पूरे इंटरनेट पर, और किसी एंगल से किसी ने लिया नहीं है क्या, या लेने नहीं दिया जाता। चलो इस पर बाद में बात करेंगे। और ये है वो टॉपर के होते हैं ना, चीट कोड, चीट नोट्स, वो है ये। और यहाँ पर है मेरा बुक जो मैं एनसीईआरटी छोड़ के अक्सर पढ़ता हूँ। उसके बाद ये मेरे सहपाठी का बिस्तर, ये है हमारा पुराना कूलर। और बाहर निकल के देखें तो यहाँ टंगे हुए बहुत सारे कच्छे। और ये है हमारे गुड्डू भाई, मुंबई से यहाँ भाग के आए हैं और पढ़ने के बजाय ये देखो इंस्टा पर रील देख रहे हैं। अभी देखो मुँह छुपा लिया इन्होंने। और अभी बाहर निकले, बालकनी के नाम पे ये छोटी सी जगह, और आप इसके नीचे देख सकते हो यहाँ हम अक्सर खड़ा होकर के नीचे हो रही लड़ाइयाँ देखते हैं।